हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेमा की रसोई में चिली पटाटो बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए हमें आलू लगेंगे, छोटे छोटे आकार में काट लें जैसा कि आप देख रहे हैं। इस आकार में काट लें इनको। शिमला मिर्ची वो भी इसी आकार में काट लें, दो शिमला मिर्ची बहुत है, छोटे छोटे पीस कर लें। ऑनियन उसके भी छोटे छोटे पीस कर लें। एक बाउल लें, उसमें एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लें। इनको मिक्स कर लें। इसमें नमक डालें थोड़ा सा, नहीं तो फीके लगेंगे। और इसको पानी से घोल कर लें। घोल बहुत पतला नहीं हो, बहुत गाढ़ा ना हो। जैसा कि हम पकौड़ियों का घोल करते हैं वैसे ही बनाना है। गुठले ना पड़े, बस इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कॉर्नफ्लोर पानी बहुत पीता है। आलू को इसमें डिप करें। गैस पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसको डीप फ्राई करना है जैसा आप देख रहे हैं। एक एक करके इसमें डालें। इसमें हल्दी और नमक भी डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट चाहिए तो। दोनों तरीके से बताया है। ऐसे ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लें प्लेट में। सारे इसी तरह से आलू तल लें, ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। तेल में थोड़ा, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लें। कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स करें। ये अलग से करना है हमको, केवल कॉर्नफ्लोर लेना है। तेल में हमने शिमला मिर्ची और प्याज डाल दी है। इसको चलाएं। हमको जब तक करना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के हमको पतला घोल करना है इसको। इसको बाद में डालेंगे थिकनेस के लिए। नमक डालें स्वाद अनुसार, ज्यादा नमक ना डालें क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। जैसा आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। थोड़ा सा और भून लेंगे। अब इसका कलर काफी चेंज हो गया है। इसमें अब हम इसको थोड़ा सा शिमला मिर्ची को काट कर देख लें, कट गई है यानी कि पक गई। अब इसमें हम आलू डालेंगे। हमने आलू डाल के मिला रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लें। इसमें 2 चम्मच सोया सॉस मैंने बोतल से ही डाली है। ये चिली सॉस डाल दें 2 चम्मच। ये सोया सॉस है, 2 चम्मच डालना है इसको। मिला लें इसको अच्छे से। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका। अब इसमें विनेगर डालेंगे हम। ये भी 2 चम्मच डालना है, मैंने बोतल से ही डाल दिया है।
गैस को फुल कर ले। अब सॉस डालें इसमें, टमाटो सॉस वो भी 2 चम्मच। बाउल में लगी रह गया था सॉस, इसलिए मैंने उसमें विनेगर और सोया सॉस डाल के इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से चला लें। अब इसमें हम जो कॉर्नफ्लोर पतला किया था वो डालेंगे। ये खाने में बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, चाय जब बना सकते हैं इसको। अच्छी तरह से मिला लें इसको। अब हमारा तैयार है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दें। देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ये। थैंक यू।